नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक हुए सखिया, ग्राहकों की बड़ी दिक्कतें, क्रेडिट कार्ड के लिए किया जा रहा है परेशान। हरी सब्जियों के साथ लहसुन भी महंगा, 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर पहुंची कीमत। आलोच्य सप्ताह में बाजारों में ग्राहक की साधारण रही, सरकार द्वारा दलहनों में स्टॉक सीमा का असर अभी तक कायम रहा। तुअर, चना, उड़द में भाव सुस्त रहे। मसूर दाल में साधारण मांग से भाव स्थिर रहे। बटाना में अच्छी मांग से बटाना और बटाना दाल भी भाव तेज रहे। लगातार कई दिनों से मानसून सुस्त होने से धान की फसल प्रभावित हो सकती है। अगर शीघ्र वर्षा का आगमन नहीं होगा तो चावलों में तेजी की प्रबल संभावनाएं होगी। गेहूं में भी बढ़िया मालों में उठाव रहा, कनकी में साधारण मांग से भाव टिके रहे। स्टॉक सीमा का असर चने पर सबसे ज्यादा रहा है। बिकवाली का दबाव होने से, दाल मिलों की मांग नहीं होने से चना 100 से 150 रुपए कम रहा। महाराष्ट्र में चने की ग्राहक की सुस्त रही। सप्ताहांत होलसेल में चना दाल बेस्ट 6200 से 6500, मीडियम बेस्ट 5700 से 6100 तक भाव रही। तुअर में भी स्टॉक लिमिट के कारण भाव कम रहे। तुअर की नई फसल सितंबर माह से आना शुरू होगी। नागपुर में 6450 से 6600 तक भाव रही। सप्ताहांत होलसेल में फटके 8800 से 9400, फोर में 8600 तक भाव रहे। बटाना दाल में भाव 250 से 300 तेज रहे, भाव 6300 से 6400 तक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। थोक में ही लहसुन महंगा होने से चिल्लर में इसके भाव बढ़े हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार अभी लहसुन की आवक जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, जिसके चलते यह महंगा हो गया है और 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर इसकी कीमत पहुंची है। इस समय बाजार में लहसुन की क्वालिटी के अनुसार भाव बताए जा रहे हैं। इसमें कम कली वाला लहसुन 120 से 130 रुपए और बड़ा व अच्छा लहसुन 160 से 200 रुपए प्रति किलो चल रहा है। कलमना मंडी में प्याज की आवक अच्छी बनी होने से प्याज के भाव जस की तस बने हुए हैं। वही आलू की भी आवक अच्छी बनी होने के कारण थोक में इसके भाव में गिरावट तो है, लेकिन चिल्लर में आलू के भाव 20 रुपए प्रति किलो ही बने हुए हैं। इसमें ना तो व्यापारी कम कर रहे हैं और ना ही इसमें कोई बढ़ोतरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। क्रेडिट कार्ड के लिए फिर ग्राहकों को बैंकों से परेशान किया जाने लगा है। दिन भर में 3 से 4 कॉल आ ही जाएंगे। न केवल निजी बल्कि सरकारी बैंकों के नाम पर भी क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कॉल नए खुल रहे प्राइवेट बैंकों की ओर से आ रहे हैं। इसमें ग्राहकों को तरह तरह के प्रलोभन देकर ललचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। उन्हें एक वर्ष तक बिना किसी चार्ज के इस्तेमाल विभिन्न स्टोर्स, पेट्रोल पंपों में खरीदारी पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड पर लोन की भी पेशकश की जा रही है। खास बात यह है कि मना करने पर भी कॉल करने वाले पीछा नहीं छोड़ते। 3 से 4 दिन बाद दूसरे नंबर या प्रतिनिधि द्वारा कॉल किया जाता है। यदि कोई कहे कि वह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता तो उन्हें क्रेडिट कार्ड के फायदे गिना दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से 4,515 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस दौरान भारतीय बाजार के प्रति एफपीआई का रुख सतर्कता भरा रहा है। एफपीआई ने मुनाफा काटने का विकल्प चुना है। उच्च मूल्यांकन की वजह से भी वे अधिक निवेश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा महामारी की संभावित तीसरी लहर के जोखिमों को लेकर भी वे सतर्क है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महामारी की स्थिति में सुधार के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश से यात्री कारों और दुपहिया से लेकर सभी वाहनों के निर्यात में सुधार दर्ज हुआ है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियांग के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल जून की तिमाही में देश से कुल वाहन निर्यात बढ़कर 14,19,430 इकाई पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 4,36,500 इकाई का रहा था। उस समय देश में कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू था, जिससे वाहनों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों। बैंक हुए सखिया, ग्राहकों की बड़ी दिक्कतें, क्रेडिट कार्ड के लिए किया जा रहा है परेशान। हरी सब्जियों के साथ लहसुन भी महंगा, 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर पहुंची कीमत। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।